हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। और बताइए कैसे हो। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ, और ज़्यादातर किसान भाइयों के लिए, और भी सभी देख सकते हैं वीडियो को, बच्चे बूढ़े जवान सभी देख सकते हैं, और किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है। जैसे हमारे गेहूं हैं, गेहूं में हमने पहला पानी दे दिया है और खाद वाद डाल दिया है, और दवाई जैसे कि दवाई होती है मंडूसी, अतिरिक्त खरपतवार, उसकी दवाई डालते हैं। तो और जैसे कि सर्दी हो रही है, अगर ज़्यादा खेत में हमने पानी दिया है, ज़्यादा आ गया और नमी होती है, तो उसमें जो है पीला पत्ता हो जाता है, गेहूं का पीला पत्ता हो जाता है। और पीले पत्ते के लिए, पीला पत्ता जो होता है वो ग्रोथ को रोक देता है, क्योंकि सारा ही पीला पड़ने लगता है और ऊपर की ओर नहीं बढ़ता है, ना ही मेढ़ा करता है। तो आइए मैं बताता हूँ ये क्या कारण है। ये कारण है जैसे कि सर्दी हो रही है और हमने पानी दे दिया है और खेत में ज़्यादा पानी आ जाता है, क्योंकि अभी धूप भी नहीं निकल रही है तो नमी बनी रहती है, ज़्यादा नमी में तो पीला पत्ता हो जाता है। और बहुत से ऐसे भी ऐसा भी कारण हो जाता है कि हम अतिरिक्त खरपतवार जो होता है उसकी दवाई स्प्रे वगैरह करते हैं, तो अगर ज़्यादा भी लग जाए तो उसके कारण भी पत्ता पीला पड़ सकता है, पीले पड़ जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए आप इसमें उर्वरकों का इस्तेमाल करें, और उर्वरक ऐसी जगह से लेके आएं जिसे जानकारी हो और लाइसेंसड हो और डिप्लोमा होल्डर हो। जैसे कि पेस्टिसाइड की दुकानें होती हैं और वो डिप्लोमा होल्डर होते हैं और लाइसेंस भी उनके पास होता है, तो उनके पास अच्छी अच्छी दवाइयाँ मिल जाती हैं, तो हमें वहाँ से दवाई ख़रीदनी चाहिए और इस रोग का समाधान करना चाहिए। और उनको बताना चाहिए कि हमारे जो गेहूँ हैं उसका पत्ता जो है पीला पड़ रहा है, तो पीले पत्ते का क्या दवाई है वो आपको देंगे, और उनसे सलाह भी लें। अगर कम है तो कोई बात नहीं है, तो खाद वाद से ही काम चल जाएगा, कोई उर्वरक या दवाई, किसी और दवाई, उर्वरक तो डालने ही पड़ते हैं, उर्वरक तो डालना पड़ता है, जैसे डाई, यूरिया, जिंक, पोटेशियम वगैरह, सुपर, ये तो डालते ही हैं। इनसे जो है खेत खेत हरा भरा हो जाता है। अब तो बहुत सी और भी उर्वरक चल रहे हैं, एक से एक उर्वरक आ गया है जो डालते ही रंग बहुत ही अच्छा कर देता है। लेकिन ये जो पीला पत्ता पड़ता है कुछ सर्दी की वजह से, क्योंकि धूप तो निकल नहीं रही है, अगर धूप अच्छी निकल जाए तो बिल्कुल सही हो जाए मौसम, सुबह से जैसे धुंध आती है, पूरा दिन धुंधी धुंध रहती है, तो उसके कारण जो है नमी बनी रहती है, नमी से भी पीला पत्ता हो जाता है। तो इसका समाधान जरूर करें, नहीं तो गेहूं की ग्रोथ रुक जाएगी। बने रहिए मेरे साथ, अभी और बताता हूँ मैं आपको, और दिखाता भी हूँ कि पीला पत्ता कैसा होता है। ये देखिए दोस्तों, कुछ जो है इसमें पीले पीले पत्ते हो रहे हैं, पत्ती जो है पीली हो रखी है, ये देखिए ऐसे होता है पीला पत्ता, इसे पीला रतवा भी बोल देते हैं। लेकिन कई कारणों से होते हैं, एक तो बीमारी हो जाती है कि पीला रतवा आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जैसे कि अभी ठंड जो है बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठंड के कारण भी खेत में ज़्यादा नमी है, इससे भी धूप नहीं मिलती, गर्माहट नहीं मिलती, तो इससे भी जो है पीला पत्ता पड़ जाता है। और या हम स्प्रे करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि हम स्प्रे करते हैं तो ज़्यादा तेज़ दवाई डाल देते हैं, ज़्यादा तेज़ मत डालें। अगर पेस्टिसाइड पे जो डॉक्टर लोग होते हैं, पेस्टिसाइड की दुकानों पर जो दवाई देते हैं, उनकी की सलाह से उतनी ही दवाई डालें, ज़्यादा ना डालें, क्योंकि ज़्यादा डालोगे तो खेती को, हमारी फसल को नुकसान हो सकता है, तो ऐसा ना करें। और अगर पीला पत्ता ज़्यादा हो रहा हो, जैसे कि अभी कम है, ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा, तो इससे पहले ही ऐसी दवाई डालें, उनसे पूछें, जिससे हमारी फसल को गर्माहट मिले और पीला पत्ता रुक जाए और फसल हरी भरी हो जाए। तो इसका इलाज बहुत ज़रूरी है, बने रहिए मेरे साथ, अभी और कुछ भी दिखाता हूँ मैं, सारे खेतों में दिखाऊँगा, बहुत सभी खेतों में आजकल जो है ये अब आने लगा है, क्योंकि
ठंड के समय आ जाता है। ग्रोथ तो गेहूँ ठंड में करता ही है, धुंध और पाला गेहूँ के लिए तो फायदेमंद होता है, लेकिन अगर ज़्यादा नमी हो तो नुकसानदायक भी हो सकता है। और जैसे भाई मैंने बताया कि पीला पत्ता हो रहा है, तो पीले पत्ते की जो है लापरवाही मत करें, क्योंकि यह गेहूँ की ग्रोथ रोक देगा, ऐसा नहीं करना है। अगर अच्छी उपज लेनी है तो इस रोग का समाधान जरूर करें और दवाई लाएं। कम है तो कोई दिक्कत नहीं, मौसम जैसे ही साफ होगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ज़्यादा है तो आपको दवाई जैसे कि उर्वरक वगैरह कोई भी डालने का हो तो वो डाल लेना चाहिए, और बिल्कुल लापरवाही ना करें। अगर लापरवाही करोगे तो फसल का नुकसान हो जाएगा और फसल ज़्यादा उपज नहीं दे पाएगी। स्वस्थ नहीं होगी तो उपज कैसे देगी? अगर फसल स्वस्थ है, खेत स्वस्थ है, तो अच्छी फसल होगी। जैसे हमारा शरीर है, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे शरीर में जान रहेगी, दम रहेगा। इसी तरह खेती का है, कोई सी भी फसल हो, खेत हो, अगर खेत में जान है, हमने इसमें डाला है, हम जैसे के लिए हम शरीर की जो है ताकत बढ़ाने के लिए, अपना एनर्जी लेने के लिए खाने पीने का सामानों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही इनको भी खाने पीने की चीज़ चाहिए। पीने के लिए तो एक ही चीज़ होती है, पानी। इंसान हो, फसलें हो, जानवर हो, कोई भी हो, पीने के लिए तो पानी चाहिए चाहिए, बिना पानी के कुछ नहीं है। लेकिन और भी होता है, इनके लिए होते हैं खाद उर्वरक वगैरह, वो डाले जाते हैं, तो वो समय समय पर वो डालते रहें, जिससे कि हमारी फसल बहुत अच्छी रहे। और समय समय पर देखते रहें, जांच करते रहें कि हमारी खेती में कोई
प्रॉब्लम तो नहीं, और डॉक्टर जैसे कृषि डॉक्टर होते हैं उनको भी बुला करके आप दिखा सकते हैं, और ताकि आपकी फसलें अच्छी और स्वस्थ हों और हमें जो है स्वस्थ फसल मिले, अनाज अच्छा मिले और हमारे भी शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर हम अच्छी फसल अच्छी अनाज खाएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और हमेशा फूलों की तरह खिले रहेंगे। तो जो मैंने आपको जानकारी दी इसे ज़रूर अपने खेतों पर देखें और देखभाल रखें और इनका इलाज कराएं कोई बीमारी हो समय समय पर। तो जो मैंने आपको जानकारी दी इसके बारे में बताया तो अच्छा लगा होगा, उम्मीद कर सकता हूँ, उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है। तो अब चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, बाएं बाएं।